ये लोग इतनी तेज कैसे चला लेते पर गाड़ी छी, इतना सुंदर मार्केट है फालतू में। चल यार अब तेज भगा लेता हूँ छोड़। हेलो मेरे प्यारे मित्रगणों, इट्स योर बॉय हनी बॉय, और आज फिर दोबारा से आप सबके सामने मैं एक नया ब्लॉग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो क्या हुआ था, लास्ट टाइम जो मैं देहरादून गया था भैया, उसमें मुझको पहले दिन हो गया वायरल, मुझसे नहीं पचा गया, मैं 5 दिन घूमा वो अलग बात है, पर मेरे जो हफ्ता भर था मुझे 2 दिन और रहना था वहां पे, तो वायरल की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। बट अब जस्ट आफ्टर अ वीक मेरा मन नहीं माना, मैंने बोला देखो वो 2 दिन खपत करने में चाहूंगा देहरादून फिर वापस। तो अभी क्या सीन है, धूप बहुत तेज लगी हुई है और मैं बस अभी निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में, अभी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है मेरी, तो इसके बाद जैसी एक्सपोर्ट होती है वैसी मैं निकलूंगा शाम को, मतलब थोड़ा धूप कम हो जाए, गर्म बहुत है यार। अभी मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है, आपको याद है शिवांशी, नाम बोलते मैं लड़खड़ा गया, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। हेलो अंकल। तो शिवांशी बोल रही थी मैंने खून चूसा एक बंदे का और वो बीमार पड़ गया, उसे चक्कर आ गए, वो नीचे गिर गया, तो अभी बस मैं उस बंदे को रेस्क्यू करने के लिए जा रहा हूँ उनके चंगुल से छुड़ाने। हेलो गाइस, आईपीएल पूरे जोश पे है और अब खोने के लिए 1 मिनट भी नहीं है, दैट्स व्हाई मैं पैसे कमाने के लिए हर बार प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन खोदने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, और अपकमिंग आईपीएल के मैचेस भी कुछ अलग नहीं है, फॉर दिस पर्पस मैं 1x बैट का यूज करता हूँ, वेयर एवरीथिंग इज कन्वीनिएंट लाइक बैटिंग लाइन इंटरफेस एंड विड्रॉल ऑफ फंड, यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो स्कोर ऑफ द गेम एंड अर्न रियल मनी, और केवल आईपीएल पर बैट लगाने से आप पार्टिसिपेंट बन जाओगे ब्रांड न्यू आईफोन 14 जीतने के लिए। यहाँ पे 1x गेम सेक्शन में आपको एक अनरियलिस्टिक क्रैश गेम मिलेगा जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, यू कैन प्ले एंड विन मनी सिर्फ ऑड सेट करके, एंड देखिए ये सर्विस कितनी कूल है, यू कैन यूज द प्रोमो कोड ये मेरे जानने वाले हैं भैया। भैया है? ये फिटनेस फ्रीक है भैया, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हाँ वो भाई ने लिफ्ट मांग दी थी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं क्या बोल रहा था, ये भैया मेरी लाइफ में एक ऐसे भैया है जिन्होंने मतलब मुझे कई चीज़ें सिखाई है, कई चीज़ें डिसिप्लिन वगैरह बहुत चीज़ें सिखा रखी है, क्योंकि हम फुटबॉल खेलते थे तो ये हमारे सीनियर थे एक तरह से, फुटबॉल इज़ माई लाइफ बट अब नहीं है, तो इन्होंने मैं डिसिप्लिन सिखाया, बहुत चीज़ें सिखाई कि कभी गलत काम मत करो, और आज की डेट में मतलब हम तो देखो तोंद फुला के बैठ गए, अब भले ही अब मैं फिर दोबारा फिटनेस फ्रीक बन चुका हूँ, अप डाउन चलता रहता है ठीक है, पर इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है, इनकी लाइफ में हमेशा मतलब ग्राफ जो है ना वो ऊपर जाके एक लेवल पे आ रखा है, जो अपनी रूटीन जो अपनी डाइट वगैरह ये सब मेंटेन कर रखा है उसके लिए सैल्यूट है ब्रो, बहुत कम लोग करवाते हैं। तो मेन जो था अभी कहाँ पे था हम, आ जा मुँह में, आ जा मुँह में, आ जा ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे सॉरी अगेन तो हम कहाँ पे थे कि अभी शिवांशी से मिलने के लिए जा रहा हूँ और वो खून चूस रही थी अपने एक दोस्त का, तो वो बेहोश हो गया था गिर के, यार इन मेडिकल वालों से बच के रहना पड़ेगा, कहीं मेरा खून ना निकाल दे यार, इनके कैंपस में जा रहे हैं, देन इन्होंने बोला कि कॉल करना और मैं आ जाऊँगी झट फट, और आज से ऐसे आई थिंक धन सिंह जी को आना था, बट धन सिंह जी आए नहीं यहाँ पे ठीक है, उन्होंने इन्हें बेवकूफ़ बना दिया। कौन पड़ा बीमार, किसका खून निकाला तुमने? अब सही तो अरे यार आगे बैठे गर्मी से आगे चक्कर यार चाह के आगे मजाक कर रहा ना, और हम लोग पीछे बैठे थे, उसको बोलता हूं मुझे चक्कर आ रहे, उसको कह दी कुछ है तो नहीं कर रहा सुबह का उल्टी आने वाली है, किधर चले किधर चले बताओ, कहीं भी चल लो। चलो वही मुझे भी ऐसे लगा पकड़े हो गए, पुलिस वाले मारने वाले थे उसे, तुम लोगों को तो बोल रखा है ना कि यूनिफॉर्म में मत घूमना सीआर अरे हाँ मैं बताना भूलिया, ये सीआर है अपने बैच की सीआर। खा के भी आ गए और इनकी लड़ाई भी हो गई पता नहीं अपने ग्रुप में ही, कॉलेज के बच्चे थम जाओ शिवांशी थम जाओ बस करो, सबकी वार्ड लगा दी तुमने अकेले, वो बहुत खतरनाक पीस है, वो सीनियर से सुपर सीनियर की वार्ड लगा रही यार है। छोड़ो यार इनकी तो लड़ाई चलती रहेगी, मैं ऐसे करता हूँ अपने स्टूडियो जाता हूँ वीडियो एडिट करता हूँ, जो अभी थोपा खाने गए थे बहुत ज़्यादा खा दिया यार, ज़्यादा हो गया, और वैसे वो मैदा पेट फट गया भाई, नहीं जाते ट्रक आ जाके। अच्छा गाय बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जाम लगा दिया, अभी यहाँ पे चलान कौन काटता है भाई, यहाँ पे चलान काट रहे, चलो ठीक है ओके ठीक है ब्रो। तो ठीक है बॉयज़, पूरा रेडी हो चुका हूँ देहरादून जाने के लिए, गाड़ी खड़ी हो रही है पूरी रेडी एकदम, यार मैंने इसके डिटेल्स के लिए तो बोल दिया था, आई थिंक मे बी इस बार
चेंज हो जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलो यार फाइनली पूरा रेडी हो चुका हूँ, अब निकलना है देहरादून की तरफ। मम्मा ने बोला आराम से जाना, तो मतलब तेज जाना है। तो यार चलो पहले श्रीनगर से बाहर निकला जाए और ऋषिकेश जाया जाए जहाँ पे अक्कू है। और ये देखो ऋषिकेश भी पहुँच गया, थोड़ा अंधेरा हो गया पर यार अंधेरे में भी ऋषिकेश काफ़ी अच्छा लगता है यार। खैर मुझे क्या, मैं तो रह चुका हूँ वैसे भी इधर पे, बट मुझे पहले अभी अक्कू पे जाना पड़ेगा और अक्कू से मिलना पड़ेगा। मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट में श्रीनगर से और ऋषिकेश पहुँच गया हूँ। उफ 1 घंटा 20 मिनट अगेन यार, ये 1 घंटा 20 मिनट पता है कब टूटेगा मेरा, जब मेरे पे दूसरी बाइक आएगी। वैसे इतनी तेज भगाता भी नहीं हूँ मैं, ठीक ठीक चलाता हूँ यार, ठीक ठीक चलाता हूँ ठीक ठीक, शर्म नहीं आती बोलते हुए भी ठीक ठीक। तो यार अक्कू बोल रही है कि उधर की साइड आ, मतलब जहाँ मेरा घर है, तो अभी वहीं जाना पड़ेगा मुझे। दूर है यार ये थोड़ा, मतलब मेन जो मेरी रोड है उससे हट के मुझे जाना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं, जाना तो है, जब बोल दिया है तो मिलना तो पड़ेगा ही। थक गया हूँ ब्रो इस ऋषिकेश के ट्रैफिक से। उफ तभी मैं ऊपर वाली रोड से जाता हूँ, इस अक्कू के चक्कर में मुझे नीचे से आना पड़ रहा है मार्केट वाली रोड से। एंड यू गाइस कैन सी द ट्रैफिक, एंडलेस ट्रैफिक, इनफिनिट ट्रैफिक, साला खत्म ही नहीं होता, जो एक के ऊपर एक चढ़े रहेंगे। अरे गाड़ियाँ, मतलब यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ये अक्कू है किधर। इसने बोला था इधर ही मार्केट साइड आऊँगी, पर कहाँ है ये, इसे ढूंढ ढूंढ के थक गया मैं यार। गाड़ी तेज भगाने का मन ही नहीं कर रहा यार, पता मार्केट में अभी मैं बहुत तेज भगा के आ गया पता पूरे रास्ते में, अब मुझे भगाने का मन ही नहीं कर रहा बाइक। यार ये लोग इतनी तेज कैसे चला लेते पर गाड़ी, छी इतना सुंदर मार्केट है फालतू में। चल यार अब तेज भगा लेता हूँ, छोड़ अब मन नहीं कर रहा यार हल्के चलाने का। अरे ऋषिकेश का ट्रैफिक, मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं यही आश्रम में बस रहा हूँ भाई, मेरे बस का नहीं है इसका ट्रैफिक को झेलना। मैं बहुत धर्म अपना रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, एंगर मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा अगर यहाँ रहना है तुम्हें। तो नहीं हो पा रहा भाई, नहीं हो पा रहा, कैंट कंट्रोल माई एंगर, कैंट कंट्रोल, गोना किल समवन। अक्कू ने तो यहीं पर आना था, बोला तो ऐसे था, किधर है ये। और अभी अक्कू को कॉल करी और वो महारानी पहली बैठ रखी है अंदर बर्गर खाने के लिए। वाह यार, एक तो यहाँ देखो यार भाई, कसम से कितना फक्ड प्लेस है यार, यार कितनी अजीब जगह है यार, मतलब कोई बंदा मोड़ भी नहीं सकता गाड़ी यार। यहाँ देखो भाई हद ही होती है, मोड़ने के लिए भी ये करना पड़ रहा है, ऐसे जाना पड़ रहा बताओ। ए रुको रुको रुको, अबे यहाँ है तो रुक, तू तो अंदर थी बैठी हुई, तू वो रोल बोल रही थी तो चलना फिर चल रहे। कैसा? चलो तो अभी ये निकलेगी यहाँ से और जाएगी अपने घर, बाकी अब मैं भी जाऊँगा देहरादून की तरफ, ठीक है। अंधेरा हो गया, काफ़ी लेट हो गई है, मिलते हैं देहरादून। अरे भाई चाबी कहाँ गई? वाह हनी वाह, तुझे तो इसके लिए नोबल अवार्ड मिलना चाहिए भाई, अनजान शहर में आके चाबी यहीं छोड़ देते हो। चाट वगैरह भी खा दी तो अभी अक्कू के साथ जो डोसे वाले पे गया था ना भाई, कितना महंगा है। मुझे दिक्कत नहीं है महंगे और सस्ते से, ठीक है खाने से, बट मुझे दिक्कत यह है कि खाने की भी एक लिमिट होती है यार, तुम्हें पता है कि वो मैक्सिमम कितने का बन सकता है। अब मैं एंटर हो चुका हूँ अंधेरे जंगल में, यहाँ पे कभी भी हाथी आ सकता है मेरे मुँह के सामने, कोई बात नहीं हाथी आएगा हाथी दिखाऊंगा आपको अंधेरे में, उसकी अगर पिछवाड़ी की खाल चमकी वही दिखा दूंगा मैं, पर दिखाऊंगा जरूर। चलो जी देहरादून तो पहुंच गया, अब बस बचा है रूम पे जाना उसके। अरे येलो ना हो, येलो ना हो, येलो ना हो, येलो ना भाई मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों, मैं कुछ और बोलना चाहता था। यहाँ पे लड़ाई चल रही भाई, ये कितनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे मुझको बोल रहे क्या? रिकॉर्डिंग कर ले, ये मुझे बोल रहे थे, वहाँ कॉल में बोल रहे थे। माना कि मेरे गाली खाने वाले काम रहते हैं, पर इतने ज़्यादा कोई भी रैंडम आके मुझे गालियाँ दे रहा है, बोल रहा रिकॉर्डिंग कर ले, मजाक कर रहा है यार। कितनी तेज तेज गालियाँ चिल्ला रहे यार ये लोग। यार ये देखो मैंने सोचा था जब आ ही रखा हूँ तो कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ, तो यहाँ से मोमोज अब ले आऊँगा रूम पे। बताओ यार जैसे यहाँ पहुँचता हूँ मैं इसके घर में, खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। तो यार चलो आज का दिन यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है, डिनर करेंगे, मस्ती करेंगे, सो जाएंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।